मोहित, सिंधु बॉर्डर की तस्वीर आपने देखी, जरा एक बार दिखाइए टिकरी बॉर्डर पर हालात क्या है। सुबह तो काफी गर्मजोशी भरा माहौल था, किसान बैरिकेड तक पहुंचे हुए थे, एक बार फिर नारेबाजी वहां पर चल रही थी। देखिए राकेश, टिकरी बॉर्डर पे इस वक्त मौजूद है, ग्राउंड जीरो से लगातार हम लोग दर्शकों को ये बता रहे हैं कि किस रूप में प्रदर्शन का स्वरूप यहाँ पे चल रहा है, किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भारत बंद है, भारत बंद से पहले टिकरी बॉर्डर पे किसानों का जो प्रदर्शन का सैलाब है खासतौर पर किस रूप में चल रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। प्रगट सिंह हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत के लिए। प्रगट जी, मैं समझना चाहता हूँ, सीधे लाइव आपसे हम बात कर रहे हैं कि भारत बंद कल है, उससे पहले क्या रणनीति आपकी है, किस तरीके से आप लोग इस प्रदर्शन के दायरे को बढ़ाने वाले और किस तरीके से भारत बंद करने वाले? बिल्कुल पूरी तैयारी इंडिया जी, असी पिछे साड़ा तालमेल जुड़ रहा है तो तैयारी कर रहे हैं। जिन्हें किसान जिहड़े दिल्ली आया उस तो मगरों जिहड़े साडे बच्चे जनानियां सारे पंजाब दे इस जंग दे विच असीं तैयार हाँ। कल नूं इह पंजाब जिहड़ा पहले नंबर ते रहेगा, जाम इंडिया च सारे ते जाम लगेगा पर पंजाब चैंपियन होवेगा कल नूं। 11 लोगों की कमेटी बनाई गई है टिकरी बॉर्डर पे किसानों की, 11 लोगों की कमेटी में से क्या फैसला किया गया, किस तरीके से भारत बंद करेंगे और आगे प्रदर्शन किस रूप में आप लोग करने वाले हैं? जो भी साडा 30-31 जथेबंदियां दा फैसला है इतने भी उवें पूर्ण रूप से लागू करते हैं। असी पंजाब दे विचों बिल्कुल असी हरेक एसोसीएशन नाल सानू फोन आए है, व्यापार मंडल पूरी तरह पहला भी वो साडे नाल पूरा समर्थन देंदे रहे। आपको सूरत हाल दिखाते हैं, देखिए तमाम बड़े किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये किसान नेता जो है खासतौर पे उनका ये कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। और देखिए जब केंद्र सरकार के साथ बैठक हो रही थी तो किसान नेता यस और नो लेकर आए थे, यस और नो का बैनर लेकर आए थे, वही बैनर देखिए किसान जो है लेकर बैठे हुए, उनका कहना या तो हाँ में बात मानिए या तो ना में आप कह दीजिए। तो सीधे तौर पर टिकरी बॉर्डर पे आपको ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं कि तरीके से किसानों का प्रदर्शन का दायरा बढ़ रहा है। महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई है, बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं और इनका ये कहना है कि हम एक साल का राशन लेके आए, सिर्फ 6 महीने का लेके नहीं आए। लेकिन दूसरी ओर राकेश, इस बात को भी समझना होगा कि किसानों का प्रदर्शन कई किलोमीटर तक यहाँ पे फैला हुआ है, ट्रैक्टर लेके आए हुए, दूसरी ओर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे 3 से 4 लेयर तक बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिस मोहित जरा मैं चाहूंगा, क्योंकि मोहित एक बार मैं चाहूंगा, जहां पर किसान बैठे हुए हैं बड़ी संख्या में वहां पर किसानों की मौजूदगी, जरा कैमरामैन से कहिए जरा बढ़िया से पैन करके दिखाएं कितनी तादाद में वहां पर किसानों की मौजूदगी है टिकरी बॉर्डर पर। जी बिल्कुल, अपने सहयोगी विकास राज से मैं कहूंगा कि वो किसानों को दिखाएं कि कितनी तादाद में यहाँ पे किसान पहुंचे हुए हैं, कितनी दूर तक यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो भी आपको किसान तस्वीरों में इस वक्त दिख रहे हैं, ये करीब 25 से 30 मीटर तक आपको किसान बैठे हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान आए हुए हैं, ट्रैक्टर और ट्रॉली में किसान बैठे हुए हैं, बस ट्रक लेके आए उस पर बैठे हुए बकायदा। देखिए हमने इनसाइड रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले की थी, उसमें कंपार्टमेंट बकायदा वहाँ पर देखिए मेघा पाटकर जी बैठी हुई है। मेघा जी, किसानों के समर्थन में आप उतर चुकी हैं, सरकार बात क्यों नहीं मान रही है, बीच का रास्ता तो निकालने के लिए तैयार है? उनके पास सही तो हमारा जो नज़रिया है उसके ऊपर कोई जवाब है नहीं, और किसान मजदूरों की ताकत आज लाजवाब साबित हो रही है। मैं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय की कमेटी मेंबर हूँ। पिछले 4 साल से मंदसौर में हत्याकांड हुआ, उसके बाद से समन्वय बनाकर हमने आगे बढ़ाया, 2 विधेयक पेश किए लोग राज्यसभा में। मोहित चलिए मैं आपके पास आता रहूंगा, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मेधा पाटकर को आप सुन रहे थे, कई बड़े नेता भी अब पहुंचने लगे हैं इन आंदोलनों में, मुख्यमंत्री केजरीवाल, प्रगट सिंह को आपने सुना, वो भी पहुंचे हुए थे टिकरी बॉर्डर पर, जमावड़ा काफी ज्यादा हो गया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।